प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं गाजियाबाद और यहां से रैपिड एक्स ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। रैपिड रेल में कुल 6 कोच होंगे, 1 प्रीमियम और 5 स्टैंडर्ड कोच इसमें शामिल होंगे। सभी कोच में आरामदायक सीटें बनाई गई हैं, यानी कि आपके सफर का खास ख्याल रखा गया। 1 कोच में कुल 72 सीटें होंगी। महिलाओं के लिए अलग से कोच की व्यवस्था मेट्रो की तरह इसमें भी की जाएगी। प्रीमियम कोच में किराया हालांकि ज्यादा लगेगा, अगर प्रीमियम कोच में आप सफर करते हैं तो किराया ज्यादा लगेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस से भी तेज रफ्तार है इसकी, मैक्सिमम रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है, औसत रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर के बीच रहेगी। दिल्ली से मेरठ तक का नेटवर्क फिलहाल तैयार किया जा रहा है और कुल 82 किलोमीटर का यह नेटवर्क है, जिसका सफर सिर्फ 62 मिनट में हो पाएगा। कुल 25 रैपिड रेल स्टेशन होंगे। तो मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास है और रैपिड एक्स ट्रेन की रफ्तार करीब 180 किलोमीटर तक जा सकती है। तो रैपिड रेल जो है वो आज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:15 बजे करीब कार्यक्रम तय किया गया, उसके बाद सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश को आज पहले रैपिड एक्स ट्रेन की, रैपिड रेल की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करने वाले गाजियाबाद में। रैपिड रेल का आज उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इसी तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। ये कुछ स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। तो सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैपिड एक्स रेल की शुरुआत करेंगे, रैपिड रेल की शुरुआत करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। साहिबाबाद स्टेशन पर ये हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीट्स कैसी हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रीमियम कोच है, कुछ एक जो कोच है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। कुल मिलाकर के मेट्रो की तरह 6 कोच इसमें रहेंगे। बहुत तेज रफ्तार के साथ ये ट्रेन अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ेगी। 180 किलोमीटर की रफ्तार इस रैपिड रेल की हो सकती है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 5 स्टेशन बनाए गए हैं। फिलहाल फर्स्ट फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन करीब 80 किलोमीटर के लिए इसे बनाया जा रहा है रैपिड रेल को। दिल्ली से मेरठ के बीच का सफर बेहद आसान हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज दिल्ली और मेरठ के बीच सफर करते हैं, ऐसे यात्रियों के लिए यह बड़ी सौगात है। उनके लिए वक्त बचेगा क्योंकि दिल्ली से मेरठ का सफर महज 62 मिनट में एक व्यक्ति पूरा कर पाएगा रैपिड रेल के जरिए। तो वक्त का बचाव होगा, वक्त की बचत होगी और इसका इस्तेमाल बाकी के कामों में आम लोग कर पाएंगे।